जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कल यानी कि 30 अगस्त सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो पूरे भारत देश में मनाया जाएगा और ये त्यौहार पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, उसकी विधि क्या है, लेकिन साथ ही बहुत जरूरी एक चमत्कारी उपाय भी बताने वाला हूँ। वो उपाय उन लोगों के लिए होगा जो कि निसंतान है, यानी जिन लोगों की संतान नहीं है या फिर जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति करना है, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी उनकी यह संतान नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष की जो कृष्ण जन्माष्टमी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है। अब विशेष क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का जो 8वें अवतार है, जिनको हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, उनका जन्म भादु मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में था। ये सारे संयोग इस वर्ष बन रहे हैं। इस वर्ष 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को अष्टमी के दिन ये सारे संयोग फिर से बन रहे हैं। इसलिए ये समझिए कि जो कल का दिन है यानी इस बार की जो अष्टमी है वो वही अष्टमी है जिस समय भगवान कृष्ण का सच में जन्म हुआ था, सच में उनका प्रादुर्भाव, उनका अवतरण हुआ था, वही दिन फिर से पड़ रहा है। तो सोचिए कितना पवित्र दिन होगा, कितना अच्छा दिन होगा ये। इस दिन आप जो भी चीज़ करेंगे, जो भी धर्म की चीज़ें करेंगे, उसका जो फल है वो हजार गुना आपको मिल सकता है अगर आप उस व्रत को, उस पूजा को, उस उपाय को अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो 30 तारीख के दिन रात्रि 11:59 से रात्रि को 12:44 तक का जो मुहूर्त है वो सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसी बीच में आपको भगवान की पूजा करना है और वो भी पूरे विधि विधान से पूजा करना है। विधि विधान में आपका मालूम है कि भगवान की पूजा किस प्रकार की जाती है। अपने को स्वच्छ होना है, साफ वस्त्र पहनना है। अगर नए वस्त्र पहन सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। भगवान लड्डू गोपाल, क्योंकि आपको मालूम है कि इस दिन भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, तो उनकी आपके पास कोई प्रतिमा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो उनकी जो प्रतिमा है उनको आप नहलाइए अच्छे से, इसके बाद उनको चंदन यानी कि कुल मिला के उनका श्रृंगार कीजिए, नए वस्त्र पहनाइए उनको, स्वच्छ वस्त्र की बजाय नए वस्त्र पहनाना है। आप कुछ थोड़ा सा खर्च करके उनके लिए नए वस्त्र लेके आइए और उनको नए वस्त्र पहना के फिर उनकी पूजा पाठ अच्छे से कीजिए, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो मैं अब उपाय बता रहा हूँ वो उपाय करना है। वैसे इतना जो मैंने बताया वो तो सभी लोगों को करना है, लेकिन अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये वो लोग करेंगे जिनको संतान की प्राप्ति करना है या जिनको पुत्र रत्न प्राप्त करना है, ये उनके लिए है, ठीक है। ऐसे दंपति जिनकी अभी शादी हुई है और वो भगवान कृष्ण की तरह यानी कि बहुत ही अच्छा, अगर कोई बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई संतान प्राप्त करना चाहते हैं, या वो लोग जो बहुत दिनों से उनकी शादी तो हो गई लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है किसी वजह से, तो वो लोग इस जो उपाय है उसको जरूर करना चाहिए। उपाय बहुत छोटा सा है। आपको करना क्या होगा कि जन्माष्टमी के दिन आप वैसे भी रोज सुबह नहाते हैं अच्छे से नहा धोके, और जो मैंने अभी मुहूर्त बताया था उस मुहूर्त में आप ये वाली पूजा को स्टार्ट करने के बाद आप उसी ड्यूरेशन में यानी उसी पूजा के जस्ट बाद आप इस मंत्र का, जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ जिसको हम संतान गोपाल मंत्र कहते हैं, इस मंत्र की 11 मालाएं करना है। और ध्यान रखें यहाँ पे ये जरूरी है कि आप पति पत्नी दोनों ही साथ बैठकर इस पूजा को करना है, इस मंत्र को करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर हैं, आप कहीं पर हैं और दोनों अलग अलग जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ही जगह पर, एक ही आसन पर बैठकर अगर आप इस मंत्र को जाप करते हो तो उसका फल डबल मिलता है। इस कारण से आप दोनों साथ बैठकर ये पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये मंत्र का जाप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन ध्यान रखें इसकी 11 मालाएं करने का विधान है, 11 मालाएं करनी चाहिए जो विधान है उसके हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इतना टाइम नहीं है तो आप एक माला भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हम जो बता रहे हैं, हमारी तरफ से हम 11 मालाएं बता रहे हैं, आपकी आपके ऊपर है कि आप उसमें से 11 करते हैं या एक करते हैं, ठीक है। अब 11 मालाएं करना है, कौन से मंत्र की करना है तो मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। देखिए मंत्र में आपको स्क्रीन पे लिख के भी दे रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो आप स्क्रीन पे जो मंत्र आपको मिल रहा है उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। ओम देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वमहं शरणं गतः।
इस मंत्र की अगर आप 11 मालाएं करते हैं उस दिन, यानी कि कल के दिन, यानी कि जन्माष्टमी के दिन, तो आपको भगवान ने चाहा तो, कृष्ण ने चाहा तो, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा दिल में आप इस प्रकार से संकल्प कीजिए, ऐसा आप विश्वास बनाइए कि इस मंत्र को जाप करने के बाद आपके घर किलकारी अवश्य गूंजेगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।